अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और अब तक यूज्ड टू हो चुके होंगे इस टूं टूं की आवाज़ से, क्योंकि हमारी हर गाड़ी में आती है और फॉर सम रीज़न हम लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते और ड्राइवर ने लगाई होती है। मैं साथ पैसेंजर वाली कभी नहीं लगाती, बट मैं भी लगा ही लूँ तो अच्छा, सेफ्टी फर्स्ट एक्चुअली। फिर ये टूं टूं भी बंद हो। सो बेसिकली टुडे व्हाट वी आर डूइंग इज सारा एंड आई आर गोइंग, Sara is driving the car with me and Sara and I are going, हम लोग आज जा रहे हैं हाइड्रा फेशियल कराने दोनों। जगह का नाम आपको बताएंगे, वंस आर एक्सपीरियंस इज गुड तो फिर आपको बताएंगे कि कैसा था। अभी जाके पहले कराते हैं एंड इन द एंड ऑफ द वीडियो आई लेट यू नो हाउ मच इट कॉस्ट एंड जगह कैसी थी क्या थी, अगर तो हमें पसंद आई तो, अगर नहीं पसंद आई तो फिर बता देंगे कि नहीं पसंद आई। सो बेसिकली आपने देखा होगा लास्ट ईयर एग्जैक्टली पूरा साल होने वाला है, बिकॉज लास्ट ईयर भी मुझे याद है मैंने रमज़ान में करवाई थी जाके, रमज़ान शुरू होने वाला था और उसमें मैंने कराई थी हाइड्राफेशियल। सो अभी भी रमज़ान नेक्स्ट मंथ से शुरू होने ही वाला है, सो इट्स ऑलमोस्ट बिन एन एग्जैक्ट ईयर एंड नाउ आई एम गोइंग। लास्ट ईयर द रिजल्ट्स वर वेरी गुड, पहले दो दिन आई एम नॉट गोना लाइक स्किन डिड रिएक्ट, मतलब वो रिएक्ट ऐसा नहीं था कि कोई रैशेज हो गए या कुछ हो गए, बट इट वॉज जस्ट कि इधर उधर कोई वो जो ऑब्वियसली इम्प्योरिटीज में निकलना होता है, बिकॉज इतनी जोर जोर से सक्शन होती है, सो वो थे एक दो, बट वो दो दिन में सब्साइड हो गए थे। उसके बाद द स्किन वॉज ग्लोइंग एंड इट वॉज फ्रेश और इतनी अच्छी टाइट प्लम्पी स्किन हो गई थी उसके बाद दो तीन महीने, आई कुड टेल द डिफरेंस। ऑब्वियसली उसके बाद आपको केयर तो करनी पड़ती है, फेस वॉश करें, रात को मेकअप धो के सोएं, ऑल दैट जैज़, बट बेसिक जो आप करते हो स्किन केयर मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी होता है उसके बाद, बट अदर देन दैट नथिंग सो मच। सनस्क्रीन लगाएं, मतलब वही जो बेसिक जो आपकी स्किन केयर होती है वो करना बहुत ज़रूरी होती है। सो मेरा सेकेंड टाइम एक्सपीरियंस है, सारा का आई थिंक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, हर रिव्यू वुड बी बेटर एज अ फर्स्ट टाइमर, तो आप वहाँ पर हम जाके आपको बताते हैं कि हम क्या क्या सीन है क्या वो है। बट एनीवे आई स्टार्टेड द इंट्रो जस्ट नाउ, सारा डजंट इवन नो व्हेन आई स्टार्ट द क्वेश्चंस, और आप लोगों के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे, बहुत ज्यादा, और मेरे इंस्टाग्राम पे के लोग तो इंस्टाग्राम पे तो आई डोंट नो सम पीपल्स आर फॉलोइंग मी, आई स्वेयर सो मेनी क्वेश्चंस के एक तो जून से रिलेटेड तो हमें बहुत ही क्वेश्चंस आते रहते हैं, उसके अलावा क्वेश्चंस ये आते हैं कि आप सारा को दिखाती नहीं है और अगर आप दिखाती हैं तो वो हमें लगता है सेम एज की है तो आप लोगों का कॉम्पिटिशन नहीं होता, तो अब ये सारा आपको जवाब दे, सारा अपने ऑडियो में जवाब दे दो कि हमारा आपस में कोई कॉम्पिटिशन होता नहीं, हमारा कॉम्पिटिशन नहीं होता, हम एक दूसरे की बिगेस्ट सपोर्ट है मुझे लगता है। सिंस डे वन ऑनेस्टली, सिंस डे देयर वाज नेवर एन एलिमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन, लाइक आई एम वेरी ऑनेस्टली टेलिंग यू, कब किसी दिन, मतलब इवन जब मेरी मंगनी हुई भी थी तब भी मुझे कभी नहीं फील हुआ कि ओ यू नो शी इज द सेम एज एज मी, हमारा आपस में नेवर नेवर एवर एवर इट्स नेवर फेल लाइक दैट। इवन एनीथिंग दैट आई हैव टू स्टार्ट, मैं जाके उसामा को बताने से पहले इसको कहती हूँ सर मेरा ये मूड है ये कर ले, शुरू कर ले, कर ले, क्या क्या बता दी आप, हाँ सकते नहीं है मसला वही सारा का भी ये होता है, किसी को बताने से पहले शील काम, एक तो वैसे ही हम एक दूसरे के घर में रहते हैं तो हमारे पास एक दूसरे की ही सपोर्ट होती है एंड इट्स जस्ट टू अवर्स गर्ल्स, बाकी वो दोनों लड़के हैं तो हम ही जाके एक दूसरे से बात करते हैं। हमारे अंदर ये इतने आप लोगों सारों को कंसर्न था कि लाइक आप लोगों की इक्वेशन क्या है, द थिंग इज शी डजंट कम टू मच ऑन कैमरा बिकॉज़ शी इज वेरी बिजी, हमारे टाइमलाइंस मैच नहीं होते, बट जनरली हाँ आगे वी हैव प्लान्ड अ लॉट ऑफ कंटेंट टुगेदर तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा, मगर मेजोरिटी ऑफ यू इसलिए भी शायद आप लोग ये कहते हो बात आई डोंट नो क्योंकि वो आती नहीं, तो दैट्स प्रॉब्लम, आई डोंट नो व्हाट द सीन इज, बट लेटली आई हैव बीन गेटिंग सो मेनी क्वेश्चन, सो मेनी कॉमेंट्स, सो मेनी ऑफ दीज थिंग्स, आप जान के नहीं दिखाती आपका उसके साथ क्या इक्वेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव नॉट, बोथ ऑफ अस हैव नॉट बीन रेज्ड दिस वे, दोनों ही हमारे अंदर ये नेचर नहीं है और ना ही हम लोग ऑनेस्टली कोई रीजन भी नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मतलब कोई हम आपस में लड़े लड़ाइयाँ करें या कोई हाँ व्लॉगिंग से पहले वो व्लॉगिंग से पहले का ट्रिप था यस, बट इंस्टाग्राम वालों ने तो देखा, आई डोंट नो, मैं उस दिन उसामा से भी ये बात करती थी कि आई एम वेरी कंफ्यूज कि लाइक Why is this vibe getting coming across? कि there's some, in fact, let me tell you, अभी कल परसों हम लोग जब गए थे, that was actually Sara's thing, and she told me कि मैं जा रही हूँ इस तरह opening है, आपको आप साथ आएंगी, and I was like sure. None of us have ever had the intention to pull one of us down. कि नहीं नहीं नहीं, you know इसका क्यों बेहतर या उसका, we don't function like that. हमारे घर में कोई ऐसे operate नहीं करता, हम में से किसी को ये we just don't function like that in short, so हाँ सबका ये होता है कि भाई कोई तो हिल के कर ले कुछ, चलो हम नहीं करें कुछ, कोई तो उठे कोई तो कुछ करे, सो ऐसा कुछ भी नहीं होता, but inshallah we're planning a lot of content
अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट इंशाल्लाह. ट्रिप का भी कॉन्टेंट बनाएंगे, कुछ ट्रिप भी प्लान कर रहे हैं. जून का भी बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट प्लान करें, बहुत चीज़ें प्लान कर रहे हैं पाइपलाइन में, बहुत ज़्यादा चीज़ें. सो इंशाल्लाह वो भी करेंगे. और अभी भी जा रहे हैं हाइड्रोफेशियल दोनों कराने, सो रिजल्ट जो होंगे आप लोगों को दिखा देंगे कि क्या सीन है. बट या आप लोग खुद भी ऐसी नेगेटिव चीज़ें सोचना छोड़ दें, अपने आसपास भी ये नेगेटिव वाइब देना छोड़ दें, बिकॉज इससे कहीं दुनिया में कोई नहीं पहुंच, किसी को नीचे करके कहीं नहीं पहुंचेंगे आप, मैं आपको बता रही हूँ. खुद फिसल जाएंगे उसी में, कोई फायदा नहीं है इस चीज का. बट एनीवे नाउ वी लीव, लाइक वी लेव्ट, बट नाउ वी आर ऑलमोस्ट देयर. पहुंच के फिर आपको दिखाते हैं कि उधर क्या सीन है. एंड या ओके गाइस, वी नीड टू फिल दिस फॉर्म आफ्टर हैविंग टू आस्क फॉर इट अनफॉर्चुनेटली. सो तुम हंसती रहो, रिव्यू तो असली होना है, जो मर्जी हो, जो मर्जी कह लें, झूठ तो हम नहीं बोलेंगे. सॉरी, नो ऑक्यूपेशन, कुछ नहीं करते हम, फारिग लोग हैं. इट्स डन नाउ. अभी तो खैर सीरम शिरम लगा हुआ तो बहुत चमक चमक हो रहा है मुँह, बट जनरली दो दिन बाद रिजल्ट आते हैं, सो देन वी विल फाइंड आउट हाउ इट इज. अभी तो मैं चंपू को ही तेल तेल लगना शुरू हो गई हूँ, बट आफ्टर टू डेज विल फाइंड आउट. ओके गाइज, हाइड्रोफेशियल करा के हम आ गए हैं इस बड़े वाले तहसीब पे. एक तो हमें खुद भी भूख लगी हुई है, और दूसरा हमने कहा अब जाना है कल मामा के घर, तो जरा थोड़े फैंसी बिस्किट बिस्किट के डब्बे भी लेती जाएं. जून पे स्टार्ट नहीं किए, हाँ वरना कभी भी ना मैं लेती. लेकिन इधर ना वो एक होते हैं क्रैनबेरी कुकीज, वो उनको बड़े पसंद हैं, तो मुझे गुजरते गुजरते नजर आया, मैंने कहा चलो लेते जाते हैं. लेट्स गो गाइस. जो पाकिस्तान में नहीं रहते, ये वीडियो आपके लिए है. दिस, हाँ दिस टिपिकल पाकिस्तानी बेकरी स्टफ. मतलब ये जो पिज्जा के नाम पे एक वो है, मस्त लगता है. What are these fried things? Maybe we should try these. चलो जो भी फ्रेश है बस वो दे दें. डोनट्स भी हैं गाइस. हाँ ये ऊपर ये वाला लोटस कैंडी बिस्किट होगा, लोटस तो नहीं. नहीं बस उधर ही, चलो ये रख दीजिए. थैंक यू. घर के लिए कोई लेने, और पीछे से हम तो वैसे गए हैं. काफ़ी फिट बेकरी है गाइस, लाइक ह्यूज. ये क्या है? ये रोल्स है, केक है. ओह इंटरेस्टिंग. ओह लेमन टार्ट, जिसमें लेमन तो. हेलो एवरीबॉडी, सो जो वीडियो अभी आप लोग देख रहे हैं, एक्चुअली इस वीडियो का आउट्रो बनाना मैं भूल गई थी. I just forgot it, like completely skipped my mind. And then अभी मैं ये वीडियो जब देख रहे हो, इसको रिकॉर्ड लाइक एडिट करने के लिए बैठी, तो when I re-watched the video, मुझे ख्याल आया कि there were a few things that I wanted to discuss with you guys about the hydrofacial and जो experience रहा. और वो जिधर हम लोग गए थे, I will not be telling you guys the name of the place because I don't recommend the place, but I also don't mean to, what would you say, like I don't mean to disrupt their business, but as a person, there were a few concerns that I had, and that mera aur Sara ka jo experience tha unme wo cheeze hui. And I think ki mujhe, as a person who discusses things with you guys or jo aap logon ko educate karti rehti hu about different things, I had a feeling ki mujhe wo baatein aapke sath share karni chahiye without revealing the name. I will not be revealing the name of the place, but I really did think ki galat ho jayega agar main aap logon ko na batau how the experience went. I am currently at my mom's place, so unfortunately Sara is not with me, वरना वो मुझको मैं साथ बिठा के आप लोगों को उसका भी रिव्यू दिलवाती. बट हम दोनों जब जैसे ही अपने हाइड्राफेशियल करा के गाड़ी में बैठे, तो हम दोनों का बिल्कुल 100% सेम ओपिनियन था. एंड मैंने उसके बाद इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया था, बट यूट्यूब वाली वीडियो में मैं बिल्कुल भूल गई वो रिकॉर्ड करना पार्ट. सो आई थॉट अभी बिफोर आई अपलोड द वीडियो मैं वो सब पॉइंटर्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ, जस्ट सो आप लोग अगर कभी भी कहीं भी हाइड्राफेशियल करवाने जाएं तो ये थोड़े बहुत की पॉइंटर्स आप लोगों को पता हों. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप हाइड्राफेशियल जो है, इट्स नॉट अ रेगुलर फेशियल. ये कोई पार्लर जाके कराने वाला फेशियल या कोई ऐसे स्पा जाके कराने वाला फेशियल नहीं है. दिस इज़ अ प्रॉपर प्रोसीजर
जिसमें सक्शन इन्वॉल्व्ड है, जिसमें स्क्रबिंग इन्वॉल्व्ड है, जिसमें केमिकल्स इन्वॉल्व्ड होते हैं, जिसमें लाइट इन्वॉल्व्ड होती है। अभी आपने देखा होगा पीछे प्रोसेस, सारा तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था लेकिन बिट्स एंड पीसेस में आपने देखा होगा कि इट इज़ अ प्रॉपर प्रोसीजर दैट यू गो थ्रू। इट्स नॉट लाइक सम लेडी इज वॉशिंग योर फेस, ये वो वाला फेशियल नहीं होता। आई नो इट्स कॉल्ड हाइड्रा फेशियल बट इट्स नॉट लाइक अ पार्लर फेशियल, ये प्रॉपर एक क्लिनिक जाके प्रॉपर डॉक्टर से करवाया जाता है। सो दैट्स पॉइंट नंबर वन। नाउ फॉर दी एक्सपीरियंस, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप इस तरह की किसी जगह पे जाते हो जहाँ पे आप की स्किन से रिलेटेड कुछ हो रहा है, या इवन डेंटिस्ट के पास आप जब जाते हो या इस तरह का कोई प्रोसीजर करवाने जाते हो, तो एक फॉर्म होता है, एक होता है कंसेंट फॉर्म, और कंसेंट फॉर्म से पहले एक फॉर्म होता है जो एलर्जी फॉर्म होता है, जो कि फिल करवाना बहुत ज़रूरी होता है। यू कैन नॉट कम नियर मी एज अ पेशेंट अनलेस यू नो अबाउट माई, यू नो, आपको अगर पता ही नहीं है कि मैं किस चीज़ से रिएक्ट कर जाती है मेरी स्किन, या मैं कोई पहले से इस तरह की मेडिसिन या केमिकल्स लगा तो नहीं रही जिससे मुंह पे रिएक्शन हो जाएगा आपके प्रोसीजर के बाद, या मुझे किसी दवाई सर्टन चीज़ से, विटामिन सी से या किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, या यू नो लाइक एम आई अ स्मोकर, थिंग्स चेंज बिकॉज इफ़ यू आर अ स्मोकर अ लॉट ऑफ थिंग्स चेंज इन अ डेंटल प्रोसीजर और इन अ स्किन प्रोसीजर। यू नो, डू आई स्मोक, डू आई नॉट, एम आई टेकिंग मेडिसिन, मैं रेटिनॉल लगा रही हूँ या नहीं लगा रही हूँ, यू नो, सो मैनी थिंग्स जो उस फॉर्म में येस नो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जो फिल करना ज़रूरी होते हैं। एंड एज अ पेशेंट इट इज़ नॉट माई जॉब टू आस्क एट अ क्लिनिक कि वो फॉर्म आपके पास है, वो फॉर्म प्लीज़ फिल करवा लें। ये आपका काम एट अ क्लिनिक होना चाहिए कि आप वो मुझे, किसी भी पेशेंट को एंटर होते साथ जैसे ही उसने आपको पेमेंट कर दी है और वो इट्स यू नो लाइक, क्योंकि पेमेंट तो अब ये लोग पहले ही कराते हैं, पेमेंट का तो अब वो सीन ही नहीं रहा कि जी बाद में हो, पेमेंट तो ये लोग पहले ही ले लेते हैं। सो पेमेंट करके या अपॉइंटमेंट कन्फर्म करके आपका क्लाइंट जब, आप पेशेंट जब बैठा है, आपका ये काम है एज अ रिसेप्शनिस्ट टू गिव दैट फॉर्म इमीडिएटली। डॉक्टर कंसल्टेशन कैसे करेगा विदाउट द फॉर्म, विदाउट प्रायर नॉलेज जो उस फॉर्म पे ऑलरेडी है, वो कैसे मुझे बताएगा कि मेरा क्या, यू नो लाइक, सो दैट वाज समथिंग दैट आपने देखा होगा वीडियो में भी मैं कह रही थी कि हमारे मांगने के बाद हमें वो फॉर्म मिला। सो दैट्स व्हाट हैपेंड, आई हैड टू आस्क देम दैट यू गाइस हैव दैट फॉर्म बिकॉज आई नीड यू टू गिव मी द फॉर्म, एंड आई नीडेड मोस्टली फॉर सारा बिकॉज उसकी स्किन जो है, आई हैव वेरी टफ स्किन बट सारा की सेंसिटिव स्किन है, इट रिएक्ट्स टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, इसीलिए हम लोग घर में भी उसका बहुत स्किन केयर के अंदर नायासिनेमाइड वगैरह चीज़ें नहीं डालते उसको, क्योंकि उसकी स्किन रिएक्ट करती है, वो सेंसिटिव स्किन है। जैसे माई सिस्टर आपा जो है उसकी भी स्किन सेंसिटिव। सो ये मेरा काम नहीं है जाके वहाँ पूछना या कहना कि जी मुझे वो फॉर्म दे दें, या आपका काम होना चाहिए एज अ रिसेप्शनिस्ट एट अ क्लिनिक टू गिव मी द फॉर्म, ठीक है। Anyway, they didn't give us the form. They sent us in for a consultation. The consultation was horrible because the doctor didn't even look closely. मतलब उसने ऐसे करके भी मेरे मुंह को नहीं देखा, वो इधर बैठी हुई थी, and she was like, आपका क्या concern है? I was like, I don't have concerns as such, but I know कि मुझे discoloration यहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, but other than that मेरे कोई as such concern नहीं है। She was like, ठीक है बस फिर आप hydrofacial के लिए बैठ जाएं। I was like, हाँ, यू आर नॉट गोइंग टू एग्जामिन माई स्किन, आप ये भी नहीं कहेंगी कि मेकअप उतार के मुझे चेक करवा दें या कुछ भी नहीं। शी डेंट चेक एनी थिंग, सेम थिंग विद सारा, शी डेंट इवन चेक, उसने तो फॉर्म भी नहीं, उसने एज अ डॉक्टर भी हमसे फॉर्म नहीं मांगे कि ओ आप लोगों के फॉर्म्स मेरे तक नहीं आए, आर यू गाइस टेकिंग एनी मेडिकेशन, आर यू यूजिंग एनी थिंग ऑन योर फेस, नथिंग। वी केम आउट साइड, आई रियलाइज कि हमने फॉर्म ही फिल नहीं किए हुए, देन आई आस्क एट अ काउंटर कि फॉर्म दें अगर आपके पास हैं तो मैं फिल करूँ, फिर आप वो डॉक्टर को दें ताकि उसको पता हो कि हाइड्रोफेशियल में हमारे कौन कौन से केमिकल्स लगेंगे, कौन से नहीं लगेंगे। सो दैट वाज समथिंग दैट वाज वेरी कंसर्निंग। अदर देन दैट, व्हेन वी वेंट इनसाइड, आई पर्सनली फेल्ट दैट द मशीनरी वाज नॉट सैनिटाइज्ड। आई आस्क्ड वन ऑफ द पर्सन, जो नर्स थी या वो जो भी थी, आई आस्क्ड देम एंड शी सेड हाँ जी अभी सैनिटाइज होगा। And then I asked when the doctor, the nurse left, and then the helper, wo jo bhi thi, she left, and then the doctor came, and I said, doctor, I just asked the lady, and she said, ki sanitize nahi hui hui equipment. She said, nahi, har patient ke baad ye sanitize hota hua hai. And she started putting it on my face, and I was uncomfortable. Obviously, mera kaam hai, main screen ke saamne aati hu, main YouTube videos banati hu, main shoots karti hu, I model, all of that. So I was like, if my skin breaks out and I get some horrible reaction, who will be responsible for that? Like, मुझे तसल्ली तो हो कि ये सैनिटाइज्ड है कि नहीं, बट शी वाज लाइक नहीं, जब पहला क्लाइंट निकलता है सैनिटाइज ऑटोमेटिकली हम करते हैं। आई डिडंट सी एनीबॉडी सैनिटाइजिंग इट, ऑनेस्टली स्पीकिंग।
Anyway, she did the hydrafacial, all of that. Throughout the hydrafacial, the doctor that was doing mine, I was okay with. But before the doctor, there was this lady, the nurse lady, who came to prep my face and stuff, and to like, wo baal aapke bandhti hain, upar wo lagati hain. You know, they put tissues all around and stuff. They take your makeup off. So that lady, not the doctor, the lady before the doctor, whoever she was, jo bhi nurse thi, jo bhi thi, the junior lady, the pura time, main apna saans karke baithi hui thi, because that lady, वो छालियाँ खा रही थी या कोई सपारी गंदी सी खा रही थी, मुझे नहीं पता वो क्या खा रही थी. एंड ऑब्वियसली मुंह का काम है तो मैं यूं लेटी हुई हूँ, वो लेडी मेरे मुंह पे यहाँ है एंड शी इज़ क्लीनिंग माई फेस एंड आई कैन स्मेल हर ब्रेथ विच इज़ ऑफ लाइक दिस गंदी सुपारी. एंड आई कैन नॉट टेल यू गाइस हाउ अनकंफर्टेबल आई वॉज लाइक. एंड दैट इज समथिंग इफ यू गो टू अ डेंटिस्ट, इवन इफ यू गो टू अ पार्लर. लाइक लास्ट टाइम आई वेंट टू अ लूअर एंड somebody who was doing like my eyebrows was doing that, I complained over there. I said somebody, आपका जो इतने मुंह के करीब है ये इतनी अनहाइजीनिक बात है, दो मिनट बाद सपारी खा लें अपनी लंच ब्रेक पे खा लें. लाइक हाउ कैन यू कम नियर समबडी वाइल ईटिंग सपारी या सिगरेट फॉरन पी के या सपारी खा के या इस तरह कुछ. योर माउथ स्मेल्स बैड, लाइक इट स्मेल्स बैड, इट्स अनकंफर्टेबल फॉर द अदर पर्सन हु स्मेलिंग इट. एंड फॉर अ क्लिनिक पर्सन टू बी डूइंग दैट, इट वॉज जस्ट नॉट ओके. सो दैट वॉज वन थिंग. उसके बाद जो डॉक्टर आई, शी वॉज लाइक वेरी साफ सुथरी थी, हाइजीनिक थी, उनका हाथ भी बहुत जेंटल था. शी डिड माई हाइड्रोफेशियल, ऑल ऑफ दैट हैपेंड. सो दैट ऑल दैट वॉज फाइन, लाइक द हाइड्रोफेशियल पार्ट वॉज ओके. फिर उसके बाद सारा की बारी आई, तो सारा की बारी में उन्होंने कहा कि डॉक्टर करेंगी ही नहीं बिकॉज नाउ द डॉक्टर इज ऑक्यूपाइड. सो द लेडी जो छालिया वाली खातून थी, शी विल कम एंड डू द प्रोसीजर फॉर सारा. एंड द होल टाइम शी वॉज स्टिल चूइंग हर छालिया एंड डूइंग द प्रोसीजर एंड इट वॉज जस्ट नॉट ओके विथ मी. So when I left, I did complain. I did register a complaint over there that we were not satisfied with the, sorry guys, my dogs are barking a bit, but satisfied with the Hydra or not, वो अलग बात है. But satisfied overall as a customer with the experience, no, we were not satisfied. Both of us were not satisfied. So वो एक था, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं ये share कर दूँ कि वो क्या experience रहा. I was not, and these are just pointers जो आप लोगों को as क्लाइंट्स पता होने चाहिए कि ये आपका राइट है, ये आपको पता बोलना चाहिए वहाँ पे. अगर आपके साथ कभी भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो, एड्रेस इट एंड टेल दोज पीपल कि प्लीज़ ये दिस इज़ नॉट ओके एंड दिस इज़ नॉट प्रोफेशनल. इवन इफ यू आर गोइंग फॉर अ स्कैल्प ट्रीटमेंट, यू हैव टू फिल द फॉर्म. इफ यू आर गोइंग फॉर अ डेंटल प्रोसीजर, यू हैव टू फिल द फॉर्म. इफ यू आर गोइंग फॉर एनी स्किन प्रोसीजर, यू हैव टू फिल द फॉर्म, बिकॉज आपकी स्किन के अंदर केमिकल्स जाने होते हैं, सक्शन होनी होती है, बहुत कुछ होना होता है. दे हैव टू नो कि आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, आप रेटिनॉल ले रहे हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, आप स्मोक करते हैं क्या, यू नो, सो मेनी थिंग्स मैटर इन दिस. ये मामले में बहुत चीज़ें मैटर करती हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, उन्होंने हमारा फॉर्म नहीं फिल कराया पहले, फिर कंसल्टेशन हुई, दे डिडंट बॉदर आस्किंग सारा एनीथिंग. शी इज एलर्जिक टू विटामिन सी सीरम, शी डज नॉट पुट इट ऑन हर स्किन बिकॉज शी गेट्स अ रिएक्शन. दे डिडंट नो दैट. एंड समबडी एट अ क्लिनिक, अ डॉक्टर, एन एस्थेटिशियन, aesthetician, whatever they're called, needs to know that, you know, because when they started the Hydra, she took it out and I noticed the bottle and I was like, no, wait, what is this? And she was like, this is vitamin C. And I said, ye nahi laga sakte uske muh pe. And she was like, nahi, this is part of the process. And I said, yes, but as a human, uski skin react karti hai vitamin C ko, ye nahi laga sakte. You know what I mean? So it was like that. And it was just overall, it was just not okay. But I thought I'll share that with you guys quickly. So bas yahi tha guys, I hope you guys enjoyed the video anyway. That's that. Baki jo Sara aur meri baatein hain aur guftagu hai aur jo shuru mein humne address kiya tha, wo sab kuch hum log inshallah, abhi to main mama ke ghar hu, you can see it's a different setup, but once I go back, Sara and I will make a lot more videos together and then we will address all your nand bhabhi questions, to aap logon ko tab maza aayega. बट या मुझे लगा कि ये मेरा फ़र्ज है कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि एक्सपीरियंस कैसा था और ये थोड़ी सी एजुकेशनल पॉइंट्स आपको दूं अगर आपको इन केस नहीं पता. ये आपका राइट है, ये चीज़ें आपको जाके पूछनी चाहिए. एंड इफ़ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दिस एट अ क्लिनिक, इवन एट अ सैलॉन और अ डेंटल प्लेस, प्लीज़ स्पीक अप एंड टेल देम यू आर नॉट हैप्पी विद हाउ इट्स गोइंग अराउंड. एनीवे, इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल. आई विल सी यू अगेन वेरी सून विद अनदर वीडियो. अल्लाह हाफिज़.